तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ब्रांड न्यू प्रोडक्ट की, और आज का प्रोडक्ट हमारा बहुत अमेजिंग होने वाला है और आज की वीडियो भी हमारी बहुत अमेजिंग होने वाली, जैसे कि पहले होती रहती है। और तो गाइस आपको बहुत बहुत थैंक यू, मेरी पिछली वीडियो में 120 व्यूज और 17 लाइक्स, और आपके बहुत बहुत प्यारे दोस्तों का मेरे कमेंट्स आए हैं आपके सबके, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस आज हमारा जिस प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है ये, और इसे मैंने बाय किया है draz.pk से। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे हमारा प्रोडक्ट सही निकलता है, ख़राब है, क्या है, पता लग जाएगा आज ही। और इसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आज जो हमारा प्रोडक्ट है इसके अंदर हमें पोर्टेबल स्केल मिलेगा, मिनी पोर्टेबल स्केल, और इजी टू कैरी है, बहुत मिनी डिवाइस है, और आप उसे अपनी आए दिन आपको जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं सब बाज़ार में वेजिटेबल्स वगैरह लेने, फ्रूट्स वगैरह लेने, चीज़ें वगैरह लेने, राशन घर का चीज़ें वगैरह जो भी हैं ग्रॉसरी करने जाते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दुकानदार से ज़रा वेट नहीं करते, बेमानी कर लेते हैं। तो इसी वजह से ये आज के लिए मैं आपको प्रोडक्ट लगाया, क्योंकि बहुत आपके लिए काम का है, आप इसको ज़रूर बाय करेंगे मेरा भी ख्याल है, क्योंकि बहुत ही कोई अच्छा प्रोडक्ट है ये। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत मिनी डिवाइस है, और क्या कहते हैं आपके हैंड में आ जाती है आराम से इजीली। और तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चले बिना टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसा आप देख सकते हैं, तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइस चलें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चलो चलें इसको ओपन करते हैं। तो गाइस इसको मैंने ये ओपन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं अपने अमेजिंग प्रोडक्ट को। वाओ, तो पहले इसकी प्राइस देख लीजिए। तो गाइस की जो प्राइस है जी 427 रुपीज़ की प्राइस है डिलीवरी के साथ, ठीक है। और ये प्रोडक्ट है हमारा, आप देख सकते हैं इसका पैकेज वेट जो है जी 0.10 ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम। चलिए चेक कर लेंगे 100 ग्राम है भी सही कि नहीं। तो पैकेज को करते हैं साइड पर, और अब अपने प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये बबल शीट चढ़ी हुई है, यानी कि इसको सेफ करने के लिए, ताकि नीचे गिरे तो कुछ होना, यानी कि अंदर प्रोडक्ट को। फिर बहुत मज़ा आता है इसको पटाखे बजाने में, पटाखे भी बजा लेते हैं, मज़ा आता है, बाद में बजेंगे, को साइड पे रखते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं गाइस बहुत कमाल प्रोडक्ट है। तो पहले इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है जी सुपर स्क्रीनिंग डिस्क्रिप्शन, डिजाइनिंग स्मार्ट बाय पर्सनल करेक्टराइज, बिगर वॉल्यूम एंड हायर प्रिसीजन, वेरी कैबिनेट एंड सूटेबल टू कैरी इट। ओके ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं, और ये है हमारा जी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है हमारे प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे वही सब कुछ लिखा है। चलें इसको ओपन कर लेते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल को। तो गाइस ये हमारा प्रोडक्ट आ गया बाहर, और बॉक्स को करते हैं साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, इतना कमाल का प्रोडक्ट है, कितना यानी कि लुक में भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो बस कलर का थोड़ा सा है, कलर ब्लैक या ब्लू होता तो अच्छा लगता ज़रा, ये भी कलर अच्छा है। तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए हमें एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, ये आप रीड कर सकते हैं सबको, सब इसमें बताया हुआ है, इसको मैनुअल कैसे यूज़ करना सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। और कॉशन भी दी हुई है, इसको इस तरह यूज़ ना करें वर्टिकली, ठीक है। और ये इसके पीछे चाइनीज लिखी, इसकी तो हमें समझ नहीं आती, साइड पर करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट, इसको बाहर उठाते हैं, हमारा प्रोडक्ट देख सकते हैं, इसमें सेल्स डालने पड़ेंगे, सेल इंसर्ट होगी इसमें, 2 बैटरीज ट्रिपल ए साइज़ की, 2 बैटरीज इंसर्ट होगी इसमें, तो बैटरीज इंसर्ट कर लेते हैं इसमें इंसर्ट। तो इसके पीछे कवर ओपन किया, और गाइस ये इसके अंदर सेल इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसमें मैंने सेल इंसर्ट कर लिया, जैसे देख सकते हैं ऑन हो गया है, और ये आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्केल बैक साइड ऐसे है उसकी। और गाइस ये जो इसमें जगह दी हुई आप देख सकते हैं, ये इसलिए कि ताकि आप इसको बॉक्स में यानी कि पैक होते तो इसको इस जगह पे यूँ ताकि रख दिया जाए, और क्योंकि बॉक्स में रखते हैं ताकि बाहर आने के लिए, इसको बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये हमारा है, अभी हम इसे वेट भी करके चेक करेंगे, इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन होकर आप देख सकते हैं। तो गाइस इसमें काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाते हैं वेट के यूनिट्स, केजी यूनिट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, केजी, एलबी, JIN, पता नहीं कौन कौन से हैं, ओज में हैं और केजी, और इसमें पॉन्ड्स में भी है आपको मैंने जैसे का बताया। तो हम इसको केजी में करके चेक करेंगे अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारी नॉर्मल रूटीन में केजी में ही यूज़ होता है। तो गाइस इसलिए आप इन्होंने दिया बता कि आप उसको हैंग कर सकें कहीं पे भी, हैंग कर लें, इसको हैंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर आपको ईजिली होगा, बस आप इस पर ईजिली अपने प्रोडक्ट को लटकाएंगे और उसका वजन आ जाएगा, हैंग करेंगे। इसमें इन्होंने नीचे केजी की भी है हुक दिया हुआ, आप इसके अंदर डालें और इसका वेट आ जाएगा प्रोडक्ट का।
जो भी आप आइटम कर रहे हैं। तो गाइस हम इसको वेट करके चेक करेंगे। तो गाइस में ये आपको बटन देख सकते हैं टेयर का, ताकि इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसको यूं यानी कि हुक में डालेंगे कोई भी चीज़ तो इसको लॉक कर लेगा। ये देखिए वेट को लॉक कर लेते हैं, लॉक हो गया। आप देख सकते हैं 985 ग्राम। अब आप आराम से आपको पता लग जाएगा भी 985 ग्राम ही इसका वजन है। अब ये लॉक हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये जो टेयर का बटन है गाइस आप देख सकते हैं, इससे आप इसको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं और यूनिट्स भी काफ़ी सारे। टेयर का बटन से ये होता है कि आप इसका लॉक जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देखें टेयर का दबा के रखूँगा, ये लॉक ऑफ होगा, आप देख सकते हैं। तो अब ये लॉक नहीं करेगा, यानी कि वेट जितना भी होगा होता रहेगा। तो गाइस इसका जो वेट यानी कि चेक करने की एक्यूरेसी है वो 5 ± हो सकता है ग्राम्स, तो वो तो हर चीज़ में ही होता है, कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती। चेक किया मैंने इसको, मैं आपको भी चेक करवाऊँगा। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। तो गाइस अभी इसको हम चेक करते हैं कि ये वज़न एक्यूरेट बता रही है या नहीं बता रही, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। और गाइस इसमें हमको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अभी इसका वेट भी करके चेक करते हैं। इसमें बीप इन्होंने दिए कि 50 kg से वजन ज़्यादा होगा तो बीप करेगा, लेकिन ये बजर पता नहीं काम करता है कि नहीं करता बीप, तो मुझे ये नहीं पता। और ये 50 kg तक का वजन यानी कि कर सकता है, इसके ऊपर मैक्सिमम उसको कर सकते हैं 50 ग्राम से, यानी कि शुरू करता है अपने वेट को, वेट यानी कि इसका शुरू होता है और 50 kg तक ये वज़न को अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कर लेता है, हैंग कर लेता है और वज़न एक्यूरेट बता ही देता है, इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो गाइस चलिए आप इसको चेक कर लेते हैं इसमें कि भाई ये वजन एक्यूरेट बताता है कि नहीं बताता, उसको चेक कर लेते हैं। चलिए गाइस हम एक शॉप से 1/2 kg टोमेटो लेके आए हैं, टोमेटो बाय करके आए हैं, तो अब इनका वेट चेक कर लेते हैं कि एक्यूरेट है कि नहीं है, कम है ज़्यादा है क्या है पता लग जाता है। तो अपनी वेट मशीन को पिक करते हैं, उठाते हैं और उसका ऑन वाला बटन प्रेस कर लेते हैं। ये ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसको हैंग करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हैं वेट इसका है जी, वेट 530 ग्राम का अप्रॉक्सीमेटली वेट है। 5 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसको एक दफा फिर से करके चेक कर लेते हैं, टेयर करते हैं और मैं टेयर का बटन प्रेस करती हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब देखेंगे कितना वेट है, अब चेक करते हैं जी। अब 520 ग्राम वेट है, क्योंकि मशीन या 5-10 ग्राम ±, हो सकता है। तो गाइस अभी तक तो एक्यूरेट वेट बता रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस में इन्होंने ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन दिए कि अब तक आपके सेल्स की बैटरी सेव हो, लाइफ ज़्यादा लॉन्ग हो, कि लाइट ऑफ हो जाती है स्क्रीन के। देखिए मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी ब्लू कलर की, ये देखें ऑन होगी जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब मैं इसका बटन ये ऑफ यानी कि खुद खुद ये स्टैंड बाय पर चला जाएगा, आप देखिए आप, और ऑटोमेटिकली ये ऑफ भी हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी है, ये देखिए अभी इसकी स्क्रीन की लाइट ऑफ हो गई, तो ये भी अच्छी ऑप्शन है। तो गाइस दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, आप इसको जरूर बाय करें मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में चीज़ें काम आती रहती हैं। आप दुकान में जाते हैं, आपको चीज़ लेते हैं, दुकानदार आपको कम ज़्यादा पैसों में दे देते हैं, यानी कि उतने पूरे पैसे ले लेते हैं लेकिन आपको चीज़ भी पूरी नहीं देते, तो ये क्या बात है, बेमानी करते हैं। तो जैसा कि अब आपने देखा तो आप इसको बाय जरूर करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इसको वहाँ से बाय कर लीजिएगा। और गाइस ये जो इसमें ये दिया हुआ रिंग ने इसको दिया था कि आप इसको कहीं भी हैंग कर सकें, हैंग कर लेंगे तो आप ज़्यादा ईजी रहेगा आपको, बस आप उसके नीचे कोई भी चीज़ लटकाएं। तो मैं इसको अपने हाथ से जोर लगा के देखता हूँ कितने केजी तक वजन आता है। 50 kg तक तो आ जाता होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा है कि भाई आ सकता है 40 kg तक, तो मैंने चेक किया हुआ है 30-40 kg। चेक करते हैं कितना वजन है, वेट ऑन करते हैं इसको, वेट चेक करते हैं, ये ऑन हो गई। तो भाई आप देख सकते हैं 5 kg तक इसका वेट जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 kg 6 kg तक, तो 6 kg तक इसका वेट गाइस अभी तक मैं जब पुश किया इसको चला गया तो ज़रूर होगा, जब कंपनी ने लिखा है तो ज़रूर उसमें 50 kg तक वेट यानी कि कर लेती होगी, आपको वेट बता देती होगी। 50 kg से लेस होगा, 40 kg होगा, क्योंकि उसके मैनुअल पे लिखा है, जो यूज़र मैनुअल है आप रीड करके देख लें कि 40 kg मैक्सिमम वेट उठाए, और 40 kg के बाद ये बीप करेगी, पता नहीं बीप करती है, इसमें बीप है कि नहीं आप देख सकते हैं वीडियो में आपको अगर नज़र आ रहा हो। इसमें ये इन्होंने जगह तो बनाई हुई, होल्स किए हुए हैं, तो बीप के लिए होंगे, बीप इसमें बजर है कि नहीं ये नहीं पता। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो इसको बाय करना चाहे कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।